हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। माई सेल्फ वंदना शर्मा फ्रॉम SDM मॉडल स्कूल, योर इंग्लिश टीचर। टुडे आई विल टीच यू अ पोएम, चैप्टर नंबर 5, रेन इन समर। रेन मीन्स बारिश, समर मीन्स गर्मी, गर्मी में बारिश। जैसे कि बच्चों आप जानते हो कि आजकल कितना गर्म मौसम हो रहा है, सभी बारिश का इंतज़ार कर रहे हैं, तो उसी टॉपिक पर हमारी ये पोएम है, रेन इन समर। इन दिस पोएम SW Longfellow has beautiful described rain after the dry heat of summer। इस कविता में जो हमारे कवि हैं SW Longfellow, वो तपती हुई गर्मी के बारे में बताते हैं, किस तरह से तपती गर्मी में बारिश जो है हमें राहत देती है। यह हमें हर तरह से हमारी प्रकृति को पोषण देती है, और जब तेज़ बारिश होती है तो किस तरह से नदी और नाले भर जाते हैं और उनमें उफान आना शुरू हो जाता है। मीन्स इट इज़ वेरी नेसेसरी फॉर एवरीवन, ये सबके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, चाहे वो प्राकृतिक चीज़ें हों या मानव हों। फर्स्ट ऑफ ऑल आई एक्सप्लेन यू सम टिपिकल वर्ड्स ऑफ दिस पोएम। ब्यूटीफुल सुंदर, रेन वर्षा, डस्ट धूल, हीट गर्मी, ब्रॉड चौड़ा, फायर स्ट्रीट गलियाँ यानी आग से भरी हुई गलियाँ, नैरो संकीर्ण, क्लैटर्स बहुत तेज़ी से आवाज़, जैसे बारिश होती है बहुत कड़कने की आवाज़ होती है, ट्रैम्प ऑफ हूव्स बहुत तेज़ी से के पैरों की आवाज़, जैसे जब घोड़े चलते हैं तो हमें आवाज़ें सुनाई देती हैं, स्ट्रगल संघर्ष, ओवरफ्लोइंग ऊपर तक बह जाना, विंडो पेन खिड़की का दरवाज़ा या हम जनरली बोलते हैं पल्ला जो हम खोलते हैं और बंद करते हैं, पॉर्स मूसलाधार बारिश, बहुत तेज़ बारिश होती है, स्विफ्ट उसकी रफ्तार, वाइड चौड़ा मड़ी मिट्टी से भरा हुआ, रिवर नदी। नाउ आई एक्सप्लेन यू दिस पोएम अकॉर्डिंग टू लाइन्स। हाउ ब्यूटिफुल इज़ द रेन आफ्टर द डस्ट एंड हीट। कवि कहता है, कहते हैं SW Longfellow कि बारिश कितनी सुंदर होती है, यह हमें धूल और गर्मी से राहत देती है, हमें कंफर्ट देती है। इन द ब्रॉड एंड फायरी स्ट्रीट, यह चौड़ी और गर्म गलियों में से गुजरती है। इन द नैरो लेन और इस संकीर्ण गलियों में से होती हुई भी यह बारिश कितनी सुंदर दिखाई देती है, अर्थात बारिश चाहे गलियाँ चौड़ी हो छोटी हो सब जगह जाती है। हाउ इट क्लैटर्स अलोंग द रूफ्स, ये कितनी तेज़ी से जब बारिश होती है तो बहुत कड़कने की आवाज़ें आती हैं, लाइक द ट्रैम्प ऑफ हूव्स, ऐसे लगता है जैसे घोड़े दौड़ रहे हो, यानी घोड़े के पैरों की आवाज़ जैसे लगती है। हाउ इट गैशेस एंड स्ट्रगल्स आउट, यह बहुत तेज़ी से बहुत संघर्ष करते हुए बाहर आती है, फ्रॉम द थॉट ऑफ द ओवरफ्लोइंग स्पाउट, और सारे जो नाले होते हैं, गटर्स होते हैं, पाइप होते हैं घर में लगे हुए, वो सारे फुल हो जाते हैं। देखा होगा जब बारिश होती है तो आपके घर के जो पाइप हैं वो फुल होकर के बहने शुरू हो जाते हैं। अक्रॉस द विंडो पेन, यह खिड़की के पल्ले को, यानी जब बारिश होती है और हवा चलने लगती तो खिड़की का जो दरवाज़ा होता है वो आगे पीछे होना शुरू हो जाता है, उसको भी पार करते हुए मूसलाधार बारिश करती है, और इसकी रफ्तार प्रत्येक जगह पर होती है विद ए मडी टाइप, जैसे ज्वार भाटा आता है, जैसे मिट्टी से मिल जाता है, जैसे प्रति बारिश की बूंदें ज़मीन पर गिरती हैं तो यह मिट्टी में मिल जाती है, लाइक ए रिवर डाउन एट द गटर्स, ऐसा लगता है जैसे नदी में मिल करके यह बहुत तेज़ी से दहाड़ने लगती है, कि जब बारिश होती है नदियों में भी उफान आने शुरू हो जाते हैं। द रेन द वेलकम रेन, बारिश तुम्हारा स्वागत है, बहुत स्वागत है। नाउ वी आर वेटिंग द रेन ऑल्सो, हम भी बारिश का इंतज़ार कर रहे हैं, क्योंकि जो गर्मी है बहुत ज़्यादा हो रही है। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस वीडियो, मैं सोचती हूँ कि आप भी इस वीडियो को समझेंगे, एंड ट्राई टू सॉल्व द MCQ क्वेश्चंस, और जो ये मल्टीपल चॉइस के दो क्वेश्चन हैं इन्हें सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, एंड लर्न द वर्ड मीनिंग। वर्ड मीनिंग ऑल, और सारे जितने वर्ड मीनिंग हैं ये आप लर्न करेंगे। आई होप यू लर्न दिस। थैंक यू एंड हैव अ गुड डे।